मैं इंजीनियर जनक भारद्वाज, फिर एक नई प्रॉब्लम। ये देखिए डिस्क पैड की हालत, मेटल टू मेटल स्क्रैच कर रहा दोस्तों, जिसकी वजह से आपका डिस्क रोटर बिल्कुल ही वियर हो गया। मैं इंजीनियर जनक भारद्वाज, फिर एक नई प्रॉब्लम के साथ। दोस्तों आपकी गाड़ी की डिस्क पैड जाने का आपको इंडिकेशन हो जाती है, बट आप उसको चेक नहीं करते हैं, आप उसकी तरफ ध्यान ही देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका काफ़ी नुकसान होता है। जैसे कि अब ये गाड़ी हमारे पास स्कॉर्पियो एम हकाई है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, इसमें प्रॉब्लम क्या आई, किस वजह से क्या हुआ, डिस्क रोटर आपका ख़राब हो गया। बिल्कुल नहीं करना था शो। दोस्तों ये देखिए, आपकी डिस्क पैड ख़त्म होने की वजह से आपका डिस्क रोटर, जो हमारी डिस्क प्लेट है रोटर, बिल्कुल स्क्रैची हो गया, ख़राब हो चुका है। तो टाइम से आपकी डिस्क पैड जो हमारे हैं, इनको चेंज करवाएं, काफ़ी नुकसान हो गया है इसकी वजह से। तो अब आपको इसका डिस्क रोटर भी चेंज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी ब्रेक एफिशिएंट नहीं हो पाएगी, और ये ब्रेकिंग का मसला है दोस्तों। तो इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दें और देखिए किस तरह से हम इसको रिमूव करेंगे। दोस्तों इस साइड की डिस्क को ना खोलते हम राइट साइड की डिस्क पैड को रिमूव करेंगे, जो कि काफ़ी गुड कंडीशन में है, और इन्हें हम लेफ्ट साइड आपके पुराने जो ओल्ड डिस्क पैड है, इन्हें यहाँ लगा देंगे। कुछ 100-200 किलोमीटर चलाने के बाद जो ये सरफेस उन डिस्क पैड की वजह से क्या हो जाएगा, बिल्कुल सरफेस का स्मूथ हो जाएगा। उसके बाद इसके डिस्क पैड दूसरे यहाँ पे नए लगाएंगे। अगर आप इस पे नए डिस्क पैड लगा देते हैं इस कंडीशन में, क्योंकि रोटर मिलना भी यहाँ पे संभव नहीं है, अगर डिस्क पैड लगा देते हैं नए, तो वो आपके 2-3 हज़ार किलोमीटर पर बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, वियर हो जाएंगे। तो इसलिए हम राइट साइड के जो डिस्क पैड निकलेंगे उनको लेफ्ट की तरफ को लगाने से इसके सरफेस को स्मूथ कर देंगे दोस्तों। चलो तो दोस्तों राइट व्हील को हम ओपन कर रहे हैं। इसके जो डिस्क पैड है वो एज कम्पेयर टू लेफ्ट की, इसके जो डिस्क पैड है एज कम्पेयर टू लेफ्ट के अच्छी कंडीशन में है, उन्हें हम लेफ्ट साइड लगाएंगे, जिससे कि हमारा जो डिस्क रोटर ख़राब है उसका सरफेस बच जाएगा। तो दोस्तों ये फाइनली हमारे जो डिस्क पैड काफ़ी बचे हैं, अभी परसेंटेज काफ़ी है, तो ये हम लेफ्ट साइड लगाएंगे, जिससे कि आपका रोटर का सरफेस बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। और कुछ दिन बाद 100-200 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी आपको ये फिर नए डालने हैं, जिससे कि आपके नए डिस्क पैड बिल्कुल सेफ रहेंगे। तो दोस्तों हमारे पास डिस्क पैड TVS जो जेन्युइन एंड राणे के रहते हैं, TVS के रहते हैं कंपनी के, महिंद्रा हर TVS राणे यूज करता है। तो ये देखिए डिस्क पैड की हालत, मेटल टू मेटल स्क्रैच कर रहा दोस्तों, जिसकी वजह से आपका डिस्क रोटर बिल्कुल ही वियर हो गया, ख़राब हो गया, स्क्रैचिज हो गया है। अब इसकी जगह हम अगर नए डिस्क पैड अगर डालता हूँ तो क्या होगा, आपका ये डिस्क पैड 1000-1500 किलोमीटर में बिल्कुल वियर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसको सरफेस को स्मूथ करने के लिए हमारे पास अभी ऑप्शन ये है कि जो हमने राइट साइड के डिस्क पैड को निकाले हैं उसका हम यूटिलाइजेशन यहाँ करेंगे, और ये क्या करेंगे, ये आपके 400-500 किलोमीटर चल सकते हैं अभी, ये आपके डिस्क रोटर की जो सरफेस है, जो आपको खुरदरा दिख रहा है, इसको स्मूथ कर देंगे। उसके बाद 300-400 किलोमीटर के बाद आपको यहाँ पे फिर अपने वापस डिस्क पैड जो पुराने नए आपने नए परचेज किए हैं अपनी गाड़ी में रखने हैं, उसको 400 किलोमीटर बाद यूज़ करना है, जिससे कि आपकी उनकी लाइफ बनी रहेगी। तो दोस्तों बने रहें वीडियो में और हमारी टेक्नोलॉजी से अवेयर होते रहें। ये आपको मैंने तरीका बता दिया, इस तरीके से आप अपने डिस्क पैड को बचा सकते हैं। दोस्तों फाइनली आपके साथ हमने टेक्नोलॉजी के साथ अवेयर करवाया, तरीका बताया कि आप क्या कर सकते हैं अगर ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, तो डायरेक्ट नया डिस्क पैड उस तरफ ना लगाएं अगर डिस्क रोटर अवेलेबल नहीं है, या फिर इसको टर्निंग भी करवाते हैं, बट इसको टर्निंग भी नहीं करवाना है, क्योंकि टर्निंग करवाने से आपकी जो ब्रेकिंग सिस्टम है गड़बड़ा जाता है, और स्टीयरिंग व्हील पर आपकी इसकी वाइब्रेशन जनरेट हो जाती है। तो बने रहें हमारे वीडियो में, देखते रहें, टेक्नोलॉजी के साथ अवेयर करवाने के लिए आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है। दोस्तों थैंक यू, वीडियो